हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल। मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो क्लास में। आप लोगों ने इससे पहले मेरी तीन चार वीडियो क्लास देखी होंगी जिसमें हमने छठवीं से सातवीं तक के ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करने की बात करी थी। और उसी सिलसिले में हमने लेटर्स, वर्ड्स और थोड़ा सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देखा था। और फिर बाद में हमने डिसाइड किया था कि हम सेंटेंस पर जाने से पहले वर्ड्स पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, वर्ड्स को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और उसी सिलसिले में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना शुरू किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने जाना था कि ये शब्दों के ही प्रकार हैं, क्योंकि हमें पता था कि एक शब्द जब वाक्य में इस्तेमाल होता है वो अलग अलग तरीके के रोल अदा करता है, अलग अलग तरीके के अर्थ देता है। तो उन्हीं के आधार पर हम शब्दों को भी कैटेगराइज करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा था कि हमने शब्दों को उनके रोल और अर्थों के हिसाब से, क्वालिटीज के हिसाब से आठ टाइप्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो उसमें से जो पहला टाइप था नाउन, जो कि व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के और मानवीय गुणों के नाम थे, उन तमाम चीजों को हमने नाउन के एक कैटेगरी में, एक डिब्बे में बंद कर दिया, जिसको हमने देखा था। और फिर हमने उसे टाइप्स भी देखे थे, सब टाइप्स भी देखे थे, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी। ठीक है, तो हमने वो सारी चीजें उसमें देखी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो इन टुडेस क्लास आई एम गोइंग टू टेक द टॉपिक प्रोनाउन, विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम देखते हैं इनमें हम किन तरीके के शब्दों को प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन्स भी शब्दों के प्रकार ही हैं, लेकिन ये किन तरीके के शब्दों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं उसके लिए हम थोड़ी सी कोशिश करें। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इसकी परिभाषा तक आए, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ आप लोगों के लिए, हम उसको देख कर थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, सो समीर इज अ स्टूडेंट, ही इज वेरी शार्प, ठीक। नेक्स्ट, शीला इज अ डॉक्टर, she is my friend, okay. Next, table is new, it is costly, boys are playing, they are very active. Yes, let's see the last sentence. This is my house, he show me his. Yes, so हमारे पास ये there are five sentences I have written here on the blackboard. Yes, now we are going to discuss on these sentences that why I have written. Yes, so guys, let me underline some words. समीर, शीला, टेबल, बॉयज, हाउस, डॉक्टर, फ्रेंड, स्टूडेंट, यस। सो ये जितने भी मैंने पिंक कलर की पेंसिल से अंडरलाइन किया है, आप लोग कुछ याद कर पा रहे हैं? ये सारे के सारे वर्ड जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ही नाम है। तो ज्यादातर जो नाम है वो किसी व्यक्ति और स्थान के नाम, वस्तुओं के नाम, यस वस्तु भी है यहाँ पे, टेबल, तो वस्तुओं के नाम है। तो हमने इन्हीं वर्ड्स को क्या कहा था, याद करिए, नाउन। तो ये दोनों शमीर और शीला प्रॉपर नाउन थे, स्टूडेंट, डॉक्टर, फ्रेंड, ये टेबल, ये कॉमन नाउन थे, बॉयज भी कॉमन नाउन था, हाउस भी कॉमन नाउन। ठीक है, तो हमने ये नाउन्स की कैटेगरी में ऐसे वर्ड्स को रखा।
अब हम देखते हैं कि ये मैंने क्यों लिखा है और क्यों मैं पहले नाउंस की बात कर रहा हूं। तो प्रोनाउंस को जानने के पहले हमें नाउंस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंसेस को डाइसेक्ट करते हैं कि समीर इज अ स्टूडेंट, ही इज वेरी शार्प, तो भाई समीर एक विद्यार्थी है, वह बहुत तेज है, वो बहुत तेज है। शार्प का मतलब चाबुक तो नहीं है, तेज का मतलब दिमाग से तेज। तो समीर इज अ स्टूडेंट, ही इज वेरी शार्प, तो ये जो वर्ड है ही, ये ही कौन है, इसके लिए ही का इस्तेमाल करने के लिए। समीर एक स्टूडेंट है, वह बहुत शार्प है, तो ये वह ही जो वर्ड है मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया भाई, ऑब्वियसली किसी समीर के लिए किया, ठीक है। तो ये ही जो एक वर्ड आया वो किसके बदले में इस्तेमाल हुआ, इस समीर जो कि नाउन। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, इस चीज को आप बहुत ध्यान में रखिएगा कि ये ही जो एक वर्ड है इसका मतलब वह होता है हिंदी में, वो इस समीर नाउन के बदले इस्तेमाल। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। शीला इज अ डॉक्टर, शीला एक डॉक्टर है, शी इज माई फ्रेंड, तो शीला एक डॉक्टर है, वह मेरी दोस्त है। सो अगेन आई हैव रिटन हियर दिस वर्ड शी, सो शीला इज अ डॉक्टर एंड शी इज माई फ्रेंड। मैं यहां कैसे लिख सकता ना, शीला इज अ डॉक्टर, शीला इज माई फ्रेंड, तो आपको समझने में आसानी होती, लेकिन फिर मैंने यहां पर शी लिख दी है ना, क्यों लिखा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शीला इज अ डॉक्टर, शी इज माई फ्रेंड, तो ये जो शी आया वह आया वो भी किसके लिए हमने इस्तेमाल किया, ये शीला इस लड़की के, इस शीला के, ठीक है। तो यहां पर ये शी जो है इस नाम के बदले आया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, टेबल इज नी, टेबल नया है, इट इज कॉस्टली, यह महंगा है, सो यह इट, सो टेबल इज न्यू, इट इज महंगा, तो टेबल नया है या महंगा है, क्या महंगा है, टेबल महंगा है, सो अगेन दिस वर्ड इट हैज कम फॉर टेबल, तो हमने फिर से इस वर्ड को इस नाउन के बदले रखा। नेक्स्ट एग्जांपल, बॉयज, बॉयज देयर आर सो मेनी बॉयज बिकॉज इट इज प्लूरल नंबर, सो बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, दे आर वेरी एक्टिव, लड़के खेल रहे हैं, वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही क्रियाशील है, एक्टिव है। सो अगेन आई एम गोइंग टू मेंशन दिस वर्ड, सर्कल दिस वर्ड दे, सो बॉयज आर प्लेइंग, वे बहुत एक्टिव है। सो ये जो वर्ड दे है ये किसके लिए आया है, हु इट इज रिप्रेजेंटेटिव हियर, सो जाहिर सी बात है बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दे, तो ये बॉयज नाउन है, नाउन के बदले ये वर्ड आया है दे। लास्ट वर्ड, दिस इज माई हाउस, ही शोड मी हिज, ठीक है। सो दिस इज माई हाउस, ये दिस जो मैंने यहां पर लिखा है ना, ये दिस जो लिखा है ये किसको इंगित करता है, किसके बदले इस्तेमाल हो रहा है, इस हाउस के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, मैं दिस किसको बोल रहा हूं, ऐसे दिखा के बोल रहा हूं, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, तो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, दिस हाउस के लिए हो रहा है। अगर ये माई देखता हूं, माई मेरा, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेरे लिए, और मेरा मैं क्या हूं, पर्सन, और मेरा एक नाम है ना अनु, लेकिन मैंने यहां पे अनु नहीं लिखा, दिस इज अनुज हाउस, ऐसा तो नहीं लिखूंगा ना, मैं अपने घर के बारे में बताऊंगा, तो मैं अपने नाम के बदले में क्या इस्तेमाल किया, माई। वैसे ही एक किसी और लड़के के लिए नाम इस्तेमाल हुआ, नाम ना लिख के मैंने ही लिख दिया, उसके नाम के बदले इस्तेमाल किया, और मी मुझे, मेरा नाम के बदले ये शब्द आया, हिज उसका, ये भी किसी और के नाम के बदले। तो कुल मिलाकर जमा बात यह है कि जितने भी येलो पेंसिल्स में जो सर्कल किए वर्ड्स हैं, ये सब के सब किसी न किसी नाउन्स के बदले इस्तेमाल किए, ठीक है। और ये ज्यादातर अर्थों में ये क्या होते हैं, किसी भी मतलब नाउन की परिभाषा के हिसाब से व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर मानवीय गुणों के बदले जो शब्द इस्तेमाल होंगे उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम समझ रहे हैं, सर्वनाम इस शब्द को थोड़ा कैसे करें, सर्वनाम सभी नाम जो कि नाउन है उनके बदले इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन या फिर सर्वनाम कहते हैं। सो ऑल द वर्ड्स, यस, सो द प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स विच रिप्लेस द नाउन, ठीक है। तो नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन है, और यहां पर सब जगहों में
इन वर्ड्स ने नाउन को रिप्लेस किया है, नाउन के बदले इस्तेमाल किया। चाहता तो यहाँ पे समीर लिख सकता था, यहाँ पे शीला लिख सकता था, यहाँ पे टेबल लिख सकता था, यहाँ पे बॉयज लिख सकता था, यहाँ पे हाउस फाइन, यहाँ पे मैं अपने नाम लिख सकता था, ये जिनके नाम की जरूरत थी उनके नाम लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, सो इस तरीके से हमने समझा कि प्रोनाउन क्या होता है। तो ये तो कुछ ही एग्जांपल है, देयर आर सो मेनी प्रोनाउंस ओके दैट वी यूज इन अ सेंटेंस दैट इज अवेलेबल इन आवर लैंग्वेज। सो हम इसको जब आगे जाएंगे और इन प्रोनाउंस के टाइप्स पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि उनके कितने टाइप्स हैं और वो किन आधारों पर अलग अलग टाइप्स में बटे हुए हैं और वो कैसे एक वाक्य में जब इस्तेमाल होते हैं तो काम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं प्रोनाउन को आपका इंट्रोडक्शन देखा। अच्छा, एक छोटा सा डिस्कशन मैं इसके और करना चाहूंगा कि भाई हमने कहा अभी अभी ये बात कही कि मैं यहां पर इन वर्ड्स के बदले, चलिए करके देखते हैं, इन वर्ड्स के बदले मैं यहां पर इन्हीं नाउंस को रिपीट कर सकता था। समीर इज स्टूडेंट, समीर इज वेरी शार्प, शीला इज अ डॉक्टर, शीला इज माई फ्रेंड, टेबल इज न्यू, टेबल इज कॉस्टली, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर एक्टिव, ऐसा लिख सकता है बिल्कुल है ना। लेकिन भाई आप ये समझिए कि समीर इज अ स्टूडेंट, समीर इज वेरी शार्प, शमीर इज वेरी गुड इन दिस, शमीर इज अ गुड गुड बॉय, शमीर डज हिज वर्क। अब सपोज मैं समीर 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 हर जगह समीर लिखता हूं तो आपको अजीब नहीं लगेगा भाषा, तो भाषा का सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो हमें प्रोनाउन की आवश्यकता भाषा में इसलिए पड़ी, नाउन के बदले शब्दों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम अपनी भाषा को सुंदर बना सके। ठीक है, तो भाषा के सौंदर्यीकरण के लिए टू ब्यूटिफाई अवर लैंग्वेज दिस प्रोनाउन हैज इमर्ज्ड। So, इस प्रोनाउन का वो बनाया गया, प्रोनाउन की कैटेगरी बनाई गई कि भाई हर जगह हम नाउन्स को डालते जाएंगे तो भाषा का सौंदर्य खत्म होगा। तो भाई एक बार आप उसका इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, आप प्रोनाउन्स का इस्तेमाल करके काम चला सकते हैं, हर बार आपको किसी का नाम लिखने की जरूरत है। तो इट इज जस्ट अ टूल टू ब्यूटिफाई अवर लैंग्वेज, है ना। और आप देखते हैं, है ना, अभी मैं आप कह रहा हूं तो आप ये प्रोनाउन है ना। आइए बैठिए, आप कहां से आए हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, आप बोल रहे हो वेयर हैव यू कम फ्रॉम यू। सो हम ज्यादातर सर्वनाम प्रोनाउन से यूज करके अपने सेंटेंसेस को ब्यूटीफाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो हमने ये इंट्रोडक्शन दिया। मैं यहां पर इस वीडियो में आज आपको क्लासिफिकेशन कर ले जाऊंगा और क्लासिफिकेशन के बाद जब हम डिटेल स्टडी पे आएंगे तो हम उसके लिए अलग वीडियो पर बात करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन का टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, है ना। तो हम इसके लिए शायद लगभग तीन वीडियोस खर्च करेंगे, तीन वीडियोस में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो जैसा कि हमने नाउंस के पांच टाइप्स देखे थे, यहां पर प्रोनाउंस के भी हमको कुछ टाइप्स देखेंगे। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड टाइप इज इम्फेटिक प्रोनाउन, नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन, यस, नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट सिक्स रिलेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड लास्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो गाइस आप इतने सारे टाइप्स देखकर डरिए मत, है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा कि हम इसका ऑपरेशन कर दें, ठीक है, क्योंकि हम जितना इसका ऑपरेशन करेंगे उतने ही हम इसके डिटेल में जाएंगे और हम जब किसी भी बात को जब हम टेस्ट पढ़ेंगे फिर बाद आगे जाएंगे बातों के स्वरूप पर पढ़ने के लिए, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो सारी जानकारियां हैं वो हमारे काम है, ठीक है। सो हियर वी हैव गॉट द फर्स्ट प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड इज इम्फेटिक प्रोनाउन, फोर्थ इज पोजेसिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो वी हैव गॉट दिस 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स वी हैव गॉट एंड ऑल दीस प्रोनाउन्स आर वेरी सिंपल इफ वी गो इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियोस, ओके। सो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम इस पे बल्कि बात नहीं करेंगे, हम अपनी क्लास में अपनी वीडियो क्लास में हम इन हर एक टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है उसमें थोड़ा डिटेल में विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को हम और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे प्रोनाउन पर, ठीक है। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब हम आगे जाएंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप लोगों के लिए अगली वीडियो जो आएगी वो प्रोनाउंस पर ही होगी और प्रोनाउंस के टाइप्स पर को डिटेल में डिलीवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।